जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने पसंदीदा चैनल स्टडी अपडेट्स में। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं आर्मी ट्रेडमेंट के कुछ प्रैक्टिस सेट्स। इससे पहले भी हमने काफी सारे प्रैक्टिस सेट कर रखे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम जो करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट वो है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 18। इससे पहले हम 17 कर चुके हैं, आज हम 18 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले सेशन का जो कि हमारा जनरल नॉलेज। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वो करी थी वास्को डी गामा ने। कब करी थी ये? 20 मई 1498 में हमारे भारत में केरला में जो कैलीकट है वहां पे ये अपने शिप से आया था। ये निकला कब था? ये 2 साल पहले लिस्बन पोर्टुगल में, ये पुर्तगाली था। बिफोर 2 ईयर्स, ये 2 साल पहले लिस्बन जगह का नाम है। कहां पे है लिस्बन? ये है पोर्टुगल में, पुर्तगाल जिसको बोल सकते हो आप, वहां से निकला था और ये 20 मई 1498 को इंडिया पहुंचा था। ये पहला यूरोपियन था जो भारत में आया था सी रूट के थ्रू। तो इसका आंसर क्या आपका? डी, वास्को डी गामा, इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन जो कि हमारा, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ 0 आवर इन लोकसभा, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि कितनी होती है? ये होती है आधे घंटे की, हाफ एन आवर की। ठीक है, 0 आवर क्या होता है? ये करेक्ट स्टार्ट होता है 12 बजे। ठीक है, पहली बात तो ये 12 बजे स्टार्ट होता है करेक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें जो एमपीज होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो क्वेश्चंस करते हैं कि रिस्पेक्टिव मिनिस्टर से कर सकते हैं, लेकिन ना उनको क्वेश्चन करने से पहले अपना नाम देना पड़ता है, जो स्पीकर होता है उसको बताना पड़ता है कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा। बेसिकली एक टाइम होता है जैसे 10 बजे से पहले इनको नाम देना पड़ेगा कि हाँ मुझे क्वेश्चन पूछना है किसी मिनिस्टर से या किसी उससे। तो इनको जो टाइम मिलता है क्वेश्चन पूछने का, 3 मिनट मिलता है हर एक मेंबर को पूछने का क्वेश्चन। तो इस तरह से आप देख सकते हो, अगर आधा घंटा टोटल है तो मतलब 10 मेंबर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ होता है। इसमें क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्वेश्चंस क्या होते हैं, वो अपनी इश्यूज बताते हैं कि जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको अराइज करते हैं। इसका आंसर क्या आपका? 0 आवर आपका आधे घंटे का होता है, इसका आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन जो कि हमारा, ऑन विच रिवर इज रंजीत सिंह डैम कंस्ट्रक्टेड, रंजीत सिंह बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया आपकी रवि नदी पर। रंजीत सिंह डैम जिसको आप थीन डैम भी बोलते हो, क्या बोलते हैं इसको? थीन डैम के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये भारत के 2 राज्यों के बॉर्डर पे बना है, जैसे जो राज्य है आपके जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब, उनके उनके बॉर्डर पे है ये। इसका आंसर क्या आपका? सी, रवि नदी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन जो कि हमारा, जवाहर टनल इज लोकेटेड इन विच स्टेट, जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है आपके जम्मू एंड कश्मीर में, जिसको आप बनिहाल टनल भी बोलते हो, इसका दूसरा नाम है बनिहाल टनल, जो लिंक करता है किसको? ये लिंक करता है कजीगुंत को किससे? बनिहाल से। इन दोनों को ये लिंक करता है, जो किस पे है? ये आपके NH-44 पे लाई करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आपका? सी, जम्मू कश्मीर इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन जो कि हमारा, हॉटेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म का अगर बात करें तो वो होता है आपका वीनस। वीनस सबसे गर्म है, मगर क्या वीनस ऑप्शन में है? वीनस ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब हमें कोई दूसरा देखना पड़ेगा। वीनस होता है फर्स्ट हॉटेस्ट। अगर मैं बात करूं सेकंड हॉटेस्ट की, तो वो है आपका मरकरी। जो मरकरी है वो आपका सेकंड हॉटेस्ट है। अब एक क्वेश्चन आता है सबके माइंड में, क्या आता है? देखो, अगर आप सोलर सिस्टम देखोगे तो क्या होता है, यहाँ पे होता है सन। सन के सबसे पहले जो जो आपका प्लैनेट है वो है आपका मरकरी, फिर मरकरी के बाद आता है वीनस, और इसी तरह फिर आता है अर्थ। तो क्वेश्चन सबका ये बनता है कि अगर सन के सबसे नजदीक मरकरी है तो वीनस सबसे गर्म कैसे हुआ? भाई देखो, सबको पता है कि जो सन के नजदीक होगा सबसे गर्मी उसके अंदर होगी। तो इसका आंसर क्या है? इसका रीजन ये है कि वीनस के अंदर, जो आपका वीनस प्लैनेट है, उसके अंदर बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके अंदर कितने कार्बन डाइऑक्साइड है? पूरी एटमॉस्फेयर में 96.5% की जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो CO2 की है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? ये जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने पास स्टोर कर लेता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है। इसके कारण जो वीनस सबसे गर्म है इन कंपैरिजन ऑफ मरकरी। ठीक है, सबसे जो सबसे गर्म है वो है वीनस, और सेकंड नंबर पे आता है मरकरी। हमारे क्वेश्चन में वीनस ऑप्शन में नहीं था, तो हमें क्या करना पड़ गया? मरकरी। तो इसका आंसर क्या हमारा? ए, मरकरी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन जो कि हमारा, फ्रॉम विच प्लेस डिड महात्मा गांधी स्टार्ट हिज दांडी मार्च, महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा किस स्थान से शुरू करी थी? ये करी थी अहमदाबाद से, साबरमती आश्रम से दांडी के लिए उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी थी। तो साबरमती आश्रम कहाँ पे? ये आपके अहमदाबाद में।
कब करी थी? ये करी थी इन्होंने 12 मार्च 1930 में स्टार्ट करी थी, और फिर ये 6 अप्रैल 1930 में अपने 78 अनुयायी के साथ, सत्याग्रह के साथ, ये कहाँ, दांडी पहुंचे थे, और वहां पे इन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ा था। बेसिकली हुआ क्या था, एक अंग्रेजों ने नमक कानून लगा दिया था, मतलब कि उन्होंने नमक के बनाने पर रोक लगा दी थी, एक कि ये नहीं बना सकते आम लोग हैं। तो गांधी जी को ये नमक कानून तोड़ना था, तो वो गए दांडी, उन्होंने यात्रा करी, दांडी पहुंचे, वहां पे उन्होंने एक मुट्ठी भर नमक बना के इस कानून को तोड़ा, और बाद में उनको जेल भी हुई थी इसके लिए। तो इसका आंसर क्या आपका, बी, अहमदाबाद में इससे स्टार्ट हुई थी, इसका आंसर है बी, अहमदाबाद। आगे बढ़ते हैं, सातवां क्वेश्चन जो कि हमारा, द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया इज, इंडोनेशिया की राजधानी है। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करूँ इंडोनेशिया की कैपिटल, अगर मैं आज आप गूगल पर जाकर सर्च करोगे कि इंडोनेशिया कैपिटल क्या है, तो वो इनमें से कोई ऑप्शन में नहीं है। इंडोनेशिया की जो प्रेजेंट जो कैपिटल है वो है आपकी नुसंतारा, नु सन तारा। अब आप बोलोगे कि ऑप्शन में तो ये है ही नहीं, और कहीं पे ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी नहीं है, तो फिर हम क्या टिक करें? देखिए क्या था, नुसंतारा इंडोनेशिया की नई कैपिटल है, अभी 2 साल पहले ही बनी है। इससे पहले जो कैपिटल थी वो थी जकार्ता, जकार्ता इंडोनेशिया की पहली कैपिटल थी। 2019 के बाद नुसंतारा को नई राजधानी के नाम पे लिया गया था, शिफ्ट कर दिया गया था मतलब। तो अभी भी हम, अगर ऑप्शन आता है तो हमें जकार्ता करना पड़ेगा, बट आपको पता होना चाहिए, ये आपके करंट अफेयर के लिए क्वेश्चन हो गया, जीके के लिए क्वेश्चन हो गया, कि जो इंडोनेशिया कैपिटल है वो शिफ्ट हो गई है जकार्ता से नुसंतारा। इसका आंसर क्या है, ए, जकार्ता इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आठवें क्वेश्चन जो कि हमारा, विच इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो आपकी नील नदी। मैं आपको लेंथ बताता हूँ कितनी है, तो इसे आपको याद रखा जाएगा। जो नील नदी है उसकी लेंथ है 6,650 किलोमीटर। इसी तरह सेकेंड नंबर पे आती है अमेजोन, और अमेजोन की जो लेंथ है वो है 6,400 किलोमीटर। इसके बाद ऐसा नहीं है कि जो मैं ऑप्शन बताता हूँ, ऑप्शन में कॉन्गो भी है, तो कॉन्गो की जो लेंथ है, कॉन्गो थर्ड नंबर पे नहीं आती, कॉन्गो आपकी फिफ्थ या सिक्स नंबर पे आती है, बट ऑप्शन में आपको पता होना चाहिए। कॉन्गो की जो लेंथ है वो है आपकी 4,700 किलोमीटर। और अगर बात करोगे गंगा रिवर की, तो गंगा की जो लेंथ है वो है आपकी 2,510 किलोमीटर। तो नील नदी सबसे लंबी, 6,650 किलोमीटर इसकी लेंथ है, तो इसका आंसर क्या हुआ आपका, सी, नील इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमारे नौवे क्वेश्चन का जो कि हमारा, वेयर इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो है आपकी कैस्पियन। कैस्पियन सी भी है और कैस्पियन लेक भी है, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीज है। कैस्पियन सी है, इसको जो अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं, तो इसका कुल जो क्षेत्रफल कितना है, तो जो इसका सरफेस एरिया है वो लगभग लगभग 3,71,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक है, इसकी लेंथ की बात करूं, जो इसकी लेंथ है कैस्पियन लेक की, वो है आपकी 7,000 किलोमीटर की। ये कौन कौन सी कंट्रीज कवर करता है? ये कई सारी कंट्रीज कवर करता है, जैसे कि आपका ईरान, अजरबैजान, इसी तरह रशिया, कजाकिस्तान, और इसी तरह तुर्कमेनिस्तान। ये सारी आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं लगभग, ये उनको कवर करता है। कैस्पियन सी सबसे बड़ी है, सेकंड नंबर पे आती है आपकी सुपीरियर, और थर्ड नंबर पे आती है विक्टोरिया। ठीक है, इसका आंसर क्या आपका, ए, कैस्पियन लेक इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमारे 10वें क्वेश्चन जो कि हमारा, विच प्लैनेट हैज ऑलमोस्ट सेम साइज एंड मास एज ऑफ अर्थ, किस ग्रह का आकार और द्रव्यमान पृथ्वी के लगभग समान है? तो वह है आपके वीनस, शुक्र ग्रह है, उसका अगर मैं आकार बोलूं और मास बोलूं तो लगभग अर्थ के जितना है। कैसे, जो अर्थ का रेडियस है, अगर मैं बात करूं रेडियस ऑफ अर्थ की, तो वो कितना है, वो है आपका 6,371 किलोमीटर। और अगर मैं रेडियस बात करूं वीनस की, तो वो है आपका 6,052 किलोमीटर। दोनों जगह रॉकी सरफेस एरिया है, इसीलिए इसको प्लेनेटरी ट्विंस, मतलब ट्विंस प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आपका, डी, वीनस इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमारे 11वें क्वेश्चन जो कि हमारा, पिचोला लैक इज इन विच इंडियन सिटी, पिछोला झील भारत के किस शहर में है? यह है आपके उदयपुर में। उदयपुर कहाँ पे है? उदयपुर आपके राजस्थान में, आपको पता ही जी। पिछोला जो लेक है ये आपकी एक आर्टिफिशियल लेक है, जो 1362 AD में बनाई गई थी। ये बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है उदयपुर में लोगों के द्वारा। इसका आंसर क्या आपका, बी,
उदयपुर इसका आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, हमारे 12वें क्वेश्चन जो कि हमारा हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन में कितने कमरे हैं? तो राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं, कुल वहां पे चार फ्लोर हैं और उन चार फ्लोर पे 340 कमरे हैं। राष्ट्रपति भवन में ही आपके मुगल गार्डन में बहुत बड़ा गार्डन है, बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे एक टाइम आता है जिसमें लोग जाके देख भी सकते हैं, उसमें अच्छे अच्छे पूल खेलते हैं। इसका आंसर क्या आपका ए, 340 कमरे राष्ट्रपति भवन में है। आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन जो कि हमारा पेनल्टी किक इज रिलेटेड विद विच गेम, पेनल्टी किक किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके फुटबॉल से है। ये कब स्टार्ट हुई थी? ये इंट्रोड्यूस हुई थी 1891 में। इसमें क्या होता है बेसिकली, ये अवार्ड किया जाता है अटैकिंग टीम को जब बहुत ज़्यादा सीरियस फॉल करे जाते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली, जो पर्सन होता है वो किक करेगा बॉल को गोल से 12 यार्ड की दूरी पर, मतलब जैसे ये आपका गोल है तो यहाँ से 12 यार्ड की दूरी पर जो आपका किकर है वो खड़ा होगा और वो बॉल को किक करेगा, यहाँ पे टीम खड़ी होगी। ठीक है, इसका आंसर क्या आपका सी, फुटबॉल इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन जो कि हमारा विच इज द कैपिटल ऑफ झारखंड, झारखंड की राजधानी कौन सी है? वो है आपकी रांची, रांची झारखंड की राजधानी है। झारखंड आपके सन 2000 में बना था बिहार से अलग होकर, उस टाइम पे इसकी राजधानी रांची रखी थी और अभी भी यही है। रांची की बात करूं तो रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है, बहुत रेफर है। इसका आंसर क्या आपका सी, रांची इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन जो कि हमारा हु गेव द स्लोगन ऑफ जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये आप सबको पता ही होगा, ये दिया था कि श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने। लाल बहादुर शास्त्री जी आपके भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इन्होंने ये कब दिया था? इन्होंने ये दिया था 1965 में जब हमारा भारत पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, उस टाइम पर इन्होंने ये दिल्ली के रामलीला मैदान में ये स्लोगन को दिया था। तो इसका आंसर क्या आपका बी, बी इसका आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा सेक्शन ए जनरल नॉलेज खत्म होता है, अभी बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ जो कि आपका जनरल इंटेलिजेंस। तो हमारा 16वां क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकंड वर्ड इन द फर्स्ट वर्ड, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से। देखिए कार का है ड्राइवर, तो एरोप्लेन का क्या होगा? कार को चलाता है ड्राइवर, एरोप्लेन को चलाता है आपका पायलट। तो इसका आंसर क्या आपका सी, पायलट इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 17वें क्वेश्चन जो कि हमारा राज गोज फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे, ही टर्न्स 15 मीटर नॉर्थ फ्रॉम हिज हाउस, ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 27 मीटर, ही अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक 45 मीटर, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर टू रीच द पार्क, टू विच डायरेक्शन पार्क लाइज फ्रॉम हिज होम। क्वेश्चन अच्छा है, राज मॉर्निंग वॉक पर जाता है, वह अपने घर से 15 मीटर उत्तर की ओर मुड़ता है। मैंने माना यह उसका घर है, यहाँ से 15 मीटर वो उत्तर की ओर गया, क्लियर है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 27 मीटर चलता है, अब वो यहाँ से दाएं मुड़ा और 27 मीटर चला, अब वहां से फिर दाएं मुड़ता है और 45 मीटर चलता है, ये फिर दाएं मुड़ा और यहाँ पे आ गया 45 मीटर पे, फिर बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ा और 5 मीटर चल गया। अब बताओ ये कौन सी डायरेक्शन में इसका घर है इस पार्क से? देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये क्या बना? ये बना आपका साउथ ईस्ट, तो क्या आंसर आया इसका बी, दक्षिण पूर्व इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन जो कि हमारा इन अ कोड लैंग्वेज मेगर इज कोडेड एज GTICGO, हाउ वुड लेविश बी कोडेड। देखो क्या कहता है, तो पहले लिखते हैं MEAGRE और यहाँ लिखा हमने GTICGO और फिर हमें लिखना है लेविश, LAVISH। देखो मैंने क्या बता रखा है, मैं हर बार बताता हूँ कि इस क्वेश्चन की तरह, तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, अपने कहीं भी रफ पे या पेपर के पीछे ए से लेकर जेड तक लिख लो। इससे क्या होगा, आपको काउंटिंग करना और आगे पीछे जाना आसान रहेगा। तो हम आसान करते हैं, देखिए पैटर्न क्या बन रहा है, ई से देखो जी कितना गैप है, एक का गैप है एफ का, आर एस छोड़ दो टी का गैप है, जी एच छोड़ो आई का गैप है, ए बी छोड़ो सी का गैप है, इन द सेम वे ई के बाद एफ छोड़ दो फिर आप ऐसे ही जी पहुंच जाओगे, और ऐसे ही जाओगे तो एम के बाद अगर जाओगे तो एन छोड़ दो और आप पहुंच जाओगे ओ। समझ में आया, तो ऐसे भी यहां पे देखते हैं, H I छोड़ोगे क्या बनेगा J, S T छोड़ोगे क्या बनेगा U, I J छोड़ोगे क्या बनेगा K, V W छोड़ोगे क्या बनेगा X, फिर ऐसी A B छोड़ोगे क्या बनेगा C, और L M छोड़ोगे क्या बनेगा N।
क्या मैच कर गया? जे यू के एक्स सी एन, जे यू के एक्स सी एन, तो डी इसका, तो इसका आंसर हो गया। तो कितने का अंतर मिला था? हमें मिला था प्लस टू का हर जगह, ठीक है। तो प्लस टू करते गए और हमारा आंसर आ गया। तो ये पैटर्न समझने के लिए आपको अगर लिखा होगा इसे जैसे, तो इजी से आप कर लोगे। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन है जो कि हमारा, इफ एम वाई एस टी आई सी ए एल इज कोडेड एज इन अ कोड लैंग्वेज, हाउ वुड डी यू एम बी बी ई डबल एल बी कोडेड। समझ में आ गया? पहले लिखते हैं एम वाई एस टी आई सी ए एल, लिखा कैसे है? समझेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा आसान है, बस एक बार देखना है आपको, नंबर देख के डरना नहीं है। ए से लेकर जेड तक लिख रखा है, काउंट करो ए से लेकर एम कौन से नंबर पे आता है। एम आता है आपके 13वें नंबर पे, वाई 25वें नंबर पे, एस 19वें नंबर पे, टी 20वें पे, आई ये आता है 9वें नंबर पे, सी 3रे नंबर पे, ए पहले नंबर पे, एल 12वें नंबर पे। सेम नंबर आपको मैच कर जाएगा ये रहा। अब लिखना है हमें किसका, डी यू एम बी बी ई डबल एल। डी आता है 4थे नंबर पे, इसी तरीके से यू आता है आपका 21वें नंबर पे, एम आता है आपका 13वें नंबर पे, बी आता है आपके दूसरे नंबर पे, ई आता है आपके 5वें नंबर पे, एल आता है आपके 12वें नंबर पे। तो 4, 21, 13, 22, 4, 21, 13, 22, 51, 12, 12, तो ये हो गया आपका सी। सी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन जो कि हमारा, विच लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। हमें क्या बताना है क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, पैटर्न समझते हैं। यू फिर एस फिर क्यू फिर बीच में डैश और फिर बीच में एम, क्या बन रहा है? अगर आप देखोगे तो यू से अगर आओगे तो टी का गैप छोड़ोगे एस मिल गया, एस से पीछे आओगे आर छोड़ोगे तो क्यू मिल गया, ऐसे ही क्यू से पीछे आओगे पी छोड़ोगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, ओ। तो ये तो हो गया ओ। कैसे? एम एन छोड़ोगे ओ, पी छोड़ोगे क्यू, आर छोड़ोगे एस, टी छोड़ोगे यू, तो ये तो मिल गया हमें पहला ओ। चलो तो मतलब ये तो ऑप्शन कट गया। अब आते हैं जेड, जेड से बना डब्लू, डब्लू से बना टी, टी से क्या बनेगा ताकि फिर मैं एन बना सकूं। थोड़ा देखते हैं क्या बन रहा है। जेड एक्स और वाई, जेड और डब्ल्यू के बीच में दो गैप है, एक्स वाई छोड़ दिया इन्होंने, ऐसे ही डब्ल्यू और टी के बीच में यू और वी छोड़ दिया, ऐसे ही टी और किसके बीच में दो छोड़ो, तो टी से पहले क्या आता है आर एस, तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्यू, आर एस छोड़ा टी मिल गया, और क्यू के पहले अगर हम ओ और पी छोड़ दूंगा तो एन मिल जाएगा। ठीक, तो समझ में आ गया ना पैटर्न। अब अगला लास्ट बनाते हैं, मतलब अब बचे कौन से, सिर्फ इन दोनों में से कोई एक बनेगा। क्या बचा? ई ए डब्ल्यू ओ, ई और ए के बीच में उन्होंने 3 का गैप रखा है, मतलब बी सी डी छोड़ दिया, ऐसे ही यहां आओगे तो एक्स वाई जेड छोड़ दिया, तो पीछे आओगे तो यहां पे क्या छोड़ देगा, ये आपका छोड़ेगा टी यू वी छोड़ देगा, तो क्या बनेगा एस, तो ये क्या बना ओ क्यू एस, ए इसका आंसर हो गया। बेसिकली पैटर्न क्या बन रहा है अगर मैं आसान बताऊं आपको, तो जो पहला लेटर है उनपे गैप है प्लस वन का, अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा, मतलब अगर अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ, मैं पीछे जा रहा हूँ, तो यू एस क्यू डैश और एम, माइनस एक करता रहो आपको मिल जाएगा। अगले नंबर के लिए आओगे तो माइनस टू करते रहो मिल जाएगा, अगले के लिए आओगे माइनस थ्री करते रहोगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये पैटर्न मैंने लगाया है, समझ में आ गया। बढ़ते हैं हमारे, यहाँ हमारा सेक्शन बी खत्म होता है, अभी बढ़ते हैं सेक्शन सी जो कि आपका जनरल साइंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन द फेस, चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? चेहरे पे आपके होती हैं 14 हड्डियां, सब अलग अलग उसमें होती हैं, तो इसका आंसर क्या आपका बी 14 इसका आंसर हो गया। हमारा 22वां क्वेश्चन है, हाउ मैनी वाट्स आर देयर इन 1 एचपी, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो वो होते हैं अप्रोक्स 746 वाट। एक हॉर्स पावर क्या होता है, एक पावर के मेजरमेंट का तरीका है, तो इसका आंसर क्या हुआ सी 746 का आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन जो कि हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलाइज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, निम्नलिखित में से कौन न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? तो पहले बात तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे अगर आपने किसी को धक्का दिया तो वो उतना ही धक्का आपको भी दे रहा है। बेसिकली अगर मैं एक दीवार को धक्का लगा रहा हूँ तो अगर मैं उसके पास 10 न्यूटन से धक्का लगा रहा हूँ तो वो मुझे भी 10 न्यूटन से धक्का लगा रहा है, इसलिए मुझे थकान हो रही है, मुझे कमजोरी लग रही है, ऐसा इसलिए होता है। तो ऐसा कौन सा इनमें से ऑप्शन जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एक तरह से एग्जाम्पल है?
तो वो है आपका स्पेस रॉकेट। क्वेश्चन पूछोगे कैसे, तो सच चीज ये, जब भी रॉकेट स्टार्ट होता है, इग्नाइट होता है, तो वो क्या करता है, कुछ गैस रिलीज करता है। जब वो गैस नीचे की तरफ आती है, वो प्रेशर बनाती है, जिससे कि जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ पुश होता है। तो इसका आंसर क्या हुआ, बी, स्पेस रॉकेट का आंसर हो गया। पढ़ते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन, दूसरा हमारा, व्हेन मेटल इज हीटेड, व्हेन मेटल इज हीटेड द डेंसिटी ऑफ मेटल, धातु को गर्म करने पर धातु घनत्व क्या होता है, वो घटता है, डिक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही उसको गर्म करोगे, गर्म करने पर क्या होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है, उसका फैलाव बढ़ता है, जिससे क्या होता है, उसकी डेंसिटी गिर जाती है, क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है, सी, डिक्रीज इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 25वें क्वेश्चन, दुखिए हमारा, द ब्रांच ऑफ द साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्किन, मानव त्वचा के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा, उसको क्या बोलते हैं, वो होती है डर्मेटोलॉजी, त्वचा विज्ञान, नाम से पता चल गया, त्वचा से त्वचा विज्ञान। आंसर क्या आपका, डी, डर्मेटोलॉजी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 26वें क्वेश्चन का, जो कि हमारा, मिका इज अ फॉर्म ऑफ, अवरक्त क्या है, ये एक तरह का मिनरल होता है, एक तरह का खनिज है। मिका क्या होता है, मिका आपके ग्रेनाइट्स या पैगमाइटाइट्स में पाया जाता है, मिका आपने कैपेसिटर देखा होगा, वो मिका से बनता है। इसका आंसर क्या आपका, ए, मिनरल इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 27वें क्वेश्चन, जो कि हमारा, जीन्स आर लोकेटेड ऑन, जो जीन्स होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं, वो होते हैं आपके क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स एक बहुत बड़ी डीएनए की चेन से मिलकर बने होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं। इसका आंसर क्या होगा आपका, बी, क्रोमोसोम्स का आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 28th क्वेश्चन, जो कि हमारा, लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, पत्तियां हरे रंग की उपस्थिति के कारण होती है, मतलब पत्तियों में क्या होता है जिससे वो हरा होता है, वो होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो पत्तियों को हरा रखता है, जिससे क्या होता है कि जो प्लांट्स है वो अपना खाना बना पाते हैं। देखो बेसिकली प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं एक प्रोसेस के थ्रू, जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स अपना खाना बनाते कहाँ हैं, वो बनाते हैं लीव्स पे, पत्तों पर, जिसको आप किचन ऑफ द प्लांट भी बोलते हो। तो इसका आंसर क्या आपका, बी, क्लोरोफिल इसका आंसर हो गया। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे ए और बी में क्लोरोफिल क्लोरोफिल सेम ऑप्शन आ गया, इसको आप, ये क्रोमोफिल था, क्रोमोफिल था ये, तो इसको ठीक कर लीजिएगा, इसका आंसर क्लोरोफिल है। तो ये बढ़ते हैं हमारे 29वें क्वेश्चन है, जो कि हमारा, इंसुलिन इज यूज टू क्योर विच डिजीज, इंसुलिन का उपयोग किस रोग को ठीक करने के लिए किया जाता है, वो होता है आपका डायबिटीज, मधुमेह। डायबिटीज में क्या होता है कि बेसिकली शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो जो इंसुलिन होता है ये आपकी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है। इसका आंसर क्या आपका, सी, सी इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे 30वें क्वेश्चन का, जो कि हमारा, एड्स इफेक्ट, एड्स किसको इफेक्ट करता है, पहली बात तो एड्स की फुल फॉर्म क्या है, ये होती है आपके एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एचआईवी से फैलती है एड्स, नाम से पता चल गया, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो इम्यून तो ये आ गया, इसका ऑप्शन क्या है, बी, इम्यून सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। एड्स जो है आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम, जो कि आपके प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसको अफेक्ट करता है। इम्यून सिस्टम क्या होता है कि आपकी बॉडी कितना बाहर जो डिजीज है उससे लड़ सकती है, तो उसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम, तो उसको ही अफेक्ट करती है, जिससे कि बंदा बड़ी जल्दी बीमार पड़ जाता है। इसका आंसर क्या आपका, बी, बी इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे 31वें क्वेश्चन, दुखिए हमारा, एनिमल और प्लांट लिविंग इन और अनदर एंड गेटिंग नॉरिशमेंट फ्रॉम इट इज कॉल्ड, दूसरे में या उस पर रहने वाले, उससे पोषण प्राप्त करने वाले जंतु या पौधे कहलाते हैं पैरासाइट्स, परजीवी। ये क्या होते हैं, ये बेसिकली इनके पास अपना रहने के लिए घर नहीं होता, ये किसी और के उस पर घर पे रहते हैं और उसको ये बदले में खाना देते हैं एक तरीके से। जैसे अगर मैं इसको एग्जाम्पल बताऊं तो पैरासाइट्स क्या होंगे, आपने कुछ प्लांट्स देखे होंगे, कुछ ट्रीज देखे होंगे जिसपे ना हरे कलर की बड़ी बड़ी डालियां से लटक रही होंगी, वो पैरासाइट्स होती हैं, क्योंकि उनके पास अपना घर नहीं होता तो वो उन पर रहते हैं। तो इसका आंसर क्या आपका, सी, पैरासाइट्स का आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे 32वें क्वेश्चन, जो कि हमारा, ब्रोंकाइटिस इज अ डिजीज ऑफ, ब्रोंकाइटिस एक बीमारी है किसकी, ये है आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, जो आपकी श्वसन प्रणाली होती है, श्वसन तंत्र होता है, उसमें लंग्स से होते हुए ना उसके अंदर कई सारे ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकलाई होती हैं, ये स्ट्रक्चर होता है कई चीज का, तो ये आपकी ब्रोंकाइटिस होती है, ये बीमारी आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होती है। तो इसका आंसर क्या आपका, डी, डी इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे 33वें क्वेश्चन, जो कि हमारा, न्यूक्लियर फ्यूजन अकर्स इन, नाभिकीय संलयन कहाँ होता है, ये होता है आपके हाइड्रोजन बॉम्ब में। पहली बात तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है, इसमें बेसिकली दो या दो से ज्यादा स्मॉल न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं एक सिंगल लार्ज न्यूक्लियाई बनाने में, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन फ्यूज होना मतलब मिल जाना, और एक होता है न्यूक्लियर फीजन, वो अलग होना, टूटना, याद रखना, नाम में बड़ा कंफ्यूजन होता है, फ्यूजन मतलब जुड़ना और फीजन मतलब टूटना, तो यहाँ पे फ्यूजन है, जुड़ेगा, हाइड्रोजन बॉम्ब में होता है इसका। इसका आंसर क्या है आपका, बी।
बढ़ते हैं 3400 क्वेश्चन दो क्या हमारा। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू सी हेवनली बॉडीज, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। आप सोचो मैं यहाँ बैठा हूँ अपने मतलब अपने घर में हूँ, बालकनी में खड़ा हूँ और मुझे ऊपर आसमान में कुछ देखना है, तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? वो मैं इस्तेमाल करूंगा टेलीस्कोप। आसमान में आकाश में आपको देखना हो स्टार्स प्लैनेट्स या मतलब ऐसी चीजें देखनी हो तो उसके लिए आप टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हो। तो आंसर क्या आपका? बी, टेलीस्कोप इसका आंसर हो गया। आई बढ़ते हैं हमारे 3500 क्वेश्चन का जो कि हमारा द मेन गैस कॉजिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट इज, ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली मुख्य गैस कौन सी है? वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। अभी याद होगा हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया था कि वीनस सबसे ज्यादा गर्म क्यों है, क्योंकि उसके अंदर 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके कारण वो बहुत ज्यादा गर्म रहता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड डिपेंडेंट है। होता क्या है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है एनवायरमेंट में एटमोसफेयर में तो वो क्या करता है, वो गर्मी क्रिएट करता है, क्योंकि ये क्या करता है ना, ये हीट को स्टोर कर लेता है, इसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो इसका आंसर आपका डी, कार्बन डाइऑक्साइड का आंसर हो गया। यहाँ हमारा सेक्शन सी जनरल साइंस खत्म होता है, आइए बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ जो कि आपका मैथमेटिक्स। तो हमारा 36वां क्वेश्चन है, मोहन इज 5 times ओल्डर देन हिज सन, आफ्टर 4 years द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 44 years, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मोहन। मोहन अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है, 4 वर्ष बाद उसकी आयु का योग 44 वर्ष होगा, मोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन कहते हैं जो मोहन है वो अपने बेटे से 5 गुना बड़ा है, तो लेट एज ऑफ सन, मैं बेटे की एज मानता हूं एक्स, मोहन की क्या हो जाएगी 5 गुना है तो 5x कंफर्म हो गया, 4 साल बाद तो 4 साल बाद तो ये हो जाएगा x प्लस 4 और ये हो जाएगा 5x प्लस 4। क्या बोलते हैं कि उनका जो एज का जो सम होगा, तो x प्लस 4 प्लस 5x प्लस 4 वो हो जाएगा आपका 44। तो कर लेते हैं 6x इज इक्वल टू 44 माइनस 8, तो 6x इज इक्वल टू 36, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 6, अगर x 6 है तो 5x हो जाएगा 5 × 6 मीन्स 30, तो मोहन की एज क्या हो गई 30 years, मतलब 20 का आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 37वें क्वेश्चन का जो कि हमारा कंप्लीट द सीरीज, सीरीज पूरी करो, क्या कहता है 1/5, 3/7, 6/11, 10/19, अगला बताओ। गैप देखो क्या है, ये 2, 4, फिर आया 8, अगला गैप होगा 16 का, 2, 4, 8, 16, तो 19 में 16 ऐड करोगे तो 35। तो हमारे आंसर तो हमें मिल गया, बट हमें कंफर्म भी करना है, 1, 3 गैप हुआ आपका कितने का 2 का, 3, 6, 3 का, 4 का, 5 गैप, तो 15 क्या आंसर हुआ, डी कंफर्म हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 38वें क्वेश्चन जो कि हमारा द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। तो देखो पहली बात तो इनमें से किसका मैं स्क्वायर रूट निकाल सकता हूँ, क्या मैं 0.4 का स्क्वायर रूट निकाल सकता हूँ? नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 और 0.2 का स्क्वायर होता है 0.04, तो निकलेगा ही नहीं। ऐसे ही अगर मैं 0.09 का निकालूंगा तो क्या निकलेगा, निकल जाएगा वो है आपका 0.3, जिसको आप बोल सकते हो 3/10, तो ये तो रैशनल नंबर बन गया। 0.5 का 9 का नहीं निकलेगा, 0.025 का भी नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि 0.5 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो वो हो जाएगा आपका 0.25, तो इसलिए इसका आंसर क्या है आपका बी 0.09 इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 39वां क्वेश्चन जो कि हमारा द एचसीएफ ऑफ 476 1386 1246 इज, आपको इसका एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमें काम करते हैं, दो नंबर को मैं निकालता हूँ मेथड से, तो मैं करने के जा रहा हूँ, मैं 476 को निकालूंगा किससे, 1386 से। ये एचसीएफ का डिविडेंड वाला मेथड है, थोड़ा बड़ा मेथड है, सबसे आसान लगता है ये और जल्दी हो भी जाता है इससे हमारा काम। तो कैसे निकालेंगे, अगर मैं इसको करूँगा तो ये 2 बार में जाएगा, 952 आएगा, माइनस करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 434, फिर इस 476 को यहाँ लिखना पड़ेगा, 1 बार में 434, ये बनेगा आपका 42। अब इस 434 को यहाँ लिखो, फिर ये आएगा 10 बार में 420, बनेगा आपका 14। अब इस 42 को लिखो, 14 + 42, ये गया कट, तो 14 तो इसका आंसर हो गया, मतलब इन दोनों का एचसीएफ तो हो गया 14। अब मुझे वेरीफाई करना है कि क्या 14 इसका एचसीएफ है कि नहीं है, कर लेते हैं 14, 1, 2, 4, 6, अगर आप 14 से इसको डिवाइड करोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये आपका 89 बार में 1246 आता है, तो इसका मतलब क्या है 14 इसका एचसीएफ हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा सी, सी इसका आंसर हो गया। एक और तरीका है निकालने का, आप सबके प्राइम फैक्टर निकाल लो,
फिर जो कॉमन बनेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उससे बना लो। लेकिन ये डिवाइड वाला मेथड भी, अगर बड़ा नंबर हो तो ये तरीका जल्दी काम करता है। भाई बढ़ते हैं हमारे 40वें क्वेश्चन, जो कि हमारा इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 6:7 एंड बी रेशियो सी इज इक्वल टू 8:9 देन ए रेशियो सी इज इक्वल टू। क्वेश्चन कहता है ए बट्टा बी बराबर 6/7, बी बट्टा सी बराबर 8/9। निकालना क्या है? ए बट्टा सी कैसे निकालेंगे? देखो ए बाई बी मल्टीप्लाई बी बाई सी इज इक्वल टू क्या बनेगा? 6/7, 8/9। बी से बी कट गया, क्या बनाएगा ये बनाएगा आपका ए अपॉन सी। क्या बनेगा ये? इसको आप कटिंग कर लो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 क्या बना? 8 2 जा 16, 7 3 जा 21 कितना आंसर आया? 16:21। क्या मैच कर रहा है? ए ए इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे 41 क्वेश्चन तक, जो कि हमारा इफ 17% ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज इज 1360 व्हाट इज द नंबर ऑफ मैंगोज। 17% कुछ आमों का 1360 है, तो मैंने माना टोटल जो मेरे मैंगोज हैं वो है मेरे एक्स। तो ये कहता है कि 17% ऑफ एक्स जो है वो 1360 है, आपको एक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे? बड़ा आसान है, 17/100 इंटू में एक्स इज इक्वल टू में 1360। कैसे निकालते हैं? एक्स इज इक्वल टू 1360 इंटू में 100 अपॉन पे 17। कटिंग करूँ तो ये बनेगा 17 8 जा 136 जीरो, तो ये बन गया आपका 8000। कितने मैंगोज हो गए? 8000। ए इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारे 42वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा फैक्टराइज करना है आपको किसको? 6x² - 25x - 14 को। कैसे करेंगे इसको? ऐसे करो, एक ऐसा नंबर सोचो, दो ऐसे नंबर मतलब जिसको मल्टीप्लाई करने पर आए 14 6 84, मतलब मल्टीप्लाई करने पर 84 आए और प्लस माइनस करने पर उसको आए 25। तो वो नंबर है आपका, अगर मैं 28 में से 3 को हटाता हूँ तो मुझे मिलेगा 84। तरीका और भी था, अगर आप 21 में 4 को ऐड भी करते तो भी 25 बनेगा, बट वो कॉम्बिनेशन यहाँ लगेगा नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें ऐसे कॉम्बिनेशन चाहिए कि उनको प्लस माइनस करने पर तो माइनस बने और मल्टीप्लाई करने पर माइनस बने, तो इसलिए ऐसा हमने बनाया कॉम्बिनेशन। कॉमन निकालोगे तो इसमें से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो? 2 और x कॉमन निकालोगे, बचेगा क्या? 3x - 14। इसमें से कुछ नहीं निकलेगा तो 1 कॉमन, बचेगा क्या? 3x - 14। तो एक पेयर बना 2x+1 का और एक पेयर बना 3x - 14 का। तो कौन सा मैच कर रहा है? ये मैच कर रहा है आपका सी से, इसका आंसर हुआ सी। अभी बढ़ते हैं हमारे 43वें क्वेश्चन, जो कि हमारा द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेथ, शुड द लेंथ एंड ब्रेथ बी इंक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर, द एरिया इंक्रीज बाय 81 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेथ। क्वेश्चन कहता है एक आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, तो मैंने माना जो ब्रेथ है वो एक्स है, तो लेंथ हो जाएगी x+4। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एरिया क्या हो जाएगा? x into x+4, मतलब ये हो जाएगा आपका x² + 4x। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मैं लेंथ को बढ़ा देता हूँ 3 से और ब्रेथ को भी 3 से, तो ब्रेथ जो है वो मेरी हो जाएगी x+3 और लेंथ हो जाएगी मेरी x+7। पहले 4 थी, 3 बढ़ गए, 7 हो जाएगी। तो इसका एरिया क्या बन जाएगा? इसका एरिया जो भी था पहले उसमें 81 ऐड हो जाएगा। तो इसका जो एरिया बनेगा वो तो ऐसे बनेगा x+3 × x+7। ये बनेगा आपका, अगर मैं सॉल्व करूँगा, x² + 7x + 3x + 21। तो ये तो बन जाएगा आपका x² + 10x + 21। अब इसने क्या बोला कि जो एरिया था पहले से उसमें 81 जुड़ जाएगा, तो x² + 4x + 81 बराबर हो जाएगा आपका ये x² + 10x + 21। x² से x² कट गया, क्या बचा? 10x - 4x = 81 - 21। ये बनेगा आपका 6x = 60, x की वैल्यू हो गई 10, तो ब्रेथ की वैल्यू हो गई 10 और लेंथ क्या हो जाएगी? 10+4 = 14। ऑप्शन में है 10 और 14 का पेयर, नहीं है तो इसका आंसर क्या है? डी, नन ऑफ दीज इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, कई बार पूछ जाता है, तो इस क्वेश्चन को अगर आपको ना समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके दोबारा देखिए और दोबारा समझिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन का, जो कि हमारा अ वायर मेजरिंग 44 सेंटीमीटर व्हेन बेंड इनटू अ सर्कल विल हैव अ रेडियस ऑफ, एक 44 सेंटीमीटर की एक तार है, जब उसको मैं वृत्त की तरह मोड़ता हूँ तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो क्या बोला? लेंथ है 44 सेंटीमीटर, तो सर्कल का निकालते हैं सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस हो गया 44। फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, 44 2 × 22/7 × r। कैसे निकालेंगे? r इज इक्वल टू 44 × 7 2 × 22, कट जाएगा, क्या बचा? 7 सेंटीमीटर का आंसर हो गया। इसका आंसर क्या हुआ? डी। अभी बढ़ते हैं हमारे 45वें क्वेश्चन, जो कि हमारा
इफ अ पैरेललोग्राम हैज एन एरिया ऑफ 128 स्क्वायर सेंटीमीटर विद द बेस ऑफ 60 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एल्टीट्यूड। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 128, आधार है 16, ऊंचाई निकालनी है। पहली बात तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है बी इंटू एच। ये है 128, बी मुझे पता है 16, हाइट निकालनी है, तो हाइट क्या हो जाएगा 128 बट्टे पे 16, 16 अट्ठे 128, कितना आंसर आया 8, बी इसका आंसर। अभी बढ़ते हैं हमारे 46वां क्वेश्चन जो कि हमारा, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोल विद 28 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, फाइंड द एरिया वेयर द हॉर्स कैन ग्रेस। देखो बेसिकली ऐसे मानो ये एक घोड़ा है जिसकी जो वायर है वो लेंथ है वो 28 मीटर की है, कितना एरिया ग्रेस कर सकता है, तो कितना करेगा बेसिकली ऐसे अगर वो पूरा घूमेगा तो ऐसे कवर करेगा, तो कितना एरिया खा सकता है वो, सिर्फ इतना। तो उसका क्या निकालेंगे, एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ जो सर्कल होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर, पाई है 22/7 और आर है आपके पास 28 × 28, 7 से काटा 4 बार में क्या बचा 22 × 4 × 28, इसका आंसर क्या आएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 2464। तो क्या आंसर आया इसका, बी, बी इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे 47वां क्वेश्चन जो कि हमारा, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर, इट्स एरिया विल बी। एक त्रिभुज का आधार है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 5, क्षेत्रफल निकालना है। पहली बात तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस है 12, हाइट है 5, 2 से काटा 6, क्या बचा 6 × 5 मतलब 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा याद रखिएगा अभी भी एरिया निकालेंगे तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा, इसका आंसर क्या होगा आपका, बी, बी इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे 48वां क्वेश्चन जो कि हमारा, क्या करना है बताना है क्या आएगा, 13, 8, 3 - 2 क्या आएगा, कितना गैप है -5 का -5 का -5 का -5 तो -7, क्या आंसर आया ए। अभी आगे बढ़ते हैं हमारे 49 क्वेश्चन जो कि हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% ऑन 100 रुपीज फॉर 2 ईयर्स। आपको क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू वाले अमाउंट निकालते हैं पी इंटू में 1 + r/100 की पावर t। देखिए मैं तरीका थोड़ा सा मॉडर्न बताता हूँ बट बहुत जल्दी निकलता है इससे। पी की वैल्यू है 100, 1 + r की वैल्यू है 10/100 पावर है 2, कटिंग कर लो क्या आएगा 100 × LCM करोगे तो 11/10 11/10, इनसे ये कट गया, क्या आया 11 ग्राम, 121। अमाउंट कितना हुआ 121। CI क्या होता है A - P, 121 में से 100 हटाओ कितना बना 21 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया, तो क्या आंसर आया इसका, डी इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे 50वां क्वेश्चन जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है आपको निकालो A + B² - 4AB। तो A + B² क्या होता है A² + B² - 2AB - 4AB, क्या बनेगा, ये बनेगा आपका A² + B² - 2AB बनेगा। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपके A - P² का, तो क्या आंसर आया इसका, बी इसका आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा आर्मी ट्रेडमैन का प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। आपको कोई परेशानी आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, हमने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट भी तैयार कर रखे हैं, जैसे कि आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको अटैम्प्ट कीजिए। उसमें क्या है, हमने इन्हीं क्वेश्चन को सफल करके डाला हुआ है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। हमने नेगेटिव मार्किंग भी जोड़ दी ताकि आप और अच्छी प्रैक्टिस कर सकें। इसके पहले भी काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट हैं जिसकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।